हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाउस ऑफ ड्रैगन का एपिसोड 1। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक औरत की आवाज़ से, जो कि हमें बताती है कि टारगेरियंस इस दुनिया पर 100 साल के ऊपर से राज कर रहे हैं और उनके सबसे सफल राजा जेरस की तबीयत बिगड़ गई है। जेरस 60 साल के ऊपर से राज कर चुके होते हैं और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई होती है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। अब उन्हें कोई उत्तराधिकारी चुनना होता है। इस बीच उनके सामने एक दिक्कत होती है कि उनके 2 बेटे जंग में शहीद हो गए होते हैं। इस दौरान उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, उनकी बेटी और या तो उनका रिश्तेदार वेसरस। वो वेसरस को बना देते हैं उत्तराधिकारी अपनी बेटी की जगह, क्योंकि टारगेरियंस में कोई भी औरत अभी तक राजा नहीं बनी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 9 साल बाद, जहाँ पर वेसरस की बेटी रिन ड्रैगन से सवारी करके आती है। वहीं आर्मी जनरल उससे कहते हैं कि आप जब जब इससे वापस बच के आती हैं, मुझे खुशी होती है कि मेरे को किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। वहीं उनकी दोस्त हमें दिखाई जाती है एलिसेंट। एलिसेंट से वो बोलती हैं कि जब ये ड्रैगन बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों इसके साथ घूमेंगे बैठ के। उसके बाद वो जाती हैं महल में, जहाँ पे हमें रिन की मदर दिखाई जाती हैं। रिन की मदर प्रेग्नेंट होती हैं और वो बोलती हैं कि तुम कहाँ लड़ाई झगड़े के बारे में सोचती हो। रानियों की यही युद्ध होता है। उनका ये कहना होता है कि रानियों का बच्चा देना ही मेन काम होता है। जिसके बाद रिन वहाँ से आगे चली जाती हैं। वेसरस अपनी सभा में बैठे रहते हैं, जहाँ पे कॉर्लोन को बताते हैं कि एक दुश्मन देश अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है और वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। वेसरस उनकी बात को टाल के दूसरी बातें जानने लगते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके राज्य में उत्तराधिकारी ना होने की वजह से काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। वो कहते हैं कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं और बस हमारी रानी इस बार लड़का दे दें, सारी बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वहीं अंदर रिन आ जाती है और वो अपने फादर से मिलती है। वो बोलते हैं कि आज भी तुम ड्रैगन में घूम के आई हो। वो बोलती है हाँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रिन अपने फादर के लिए ड्रिंक बना रही होती है और उसके फादर बोलते हैं कि बस एक बार लड़का हो जाए, मैं सब कुछ उसके हाथ में थमा दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। रिन को पता चलता है कि उसके फादर काफ़ी चिंतित हैं लड़का होने के लिए। रिन वहाँ से आगे निकल जाती है, वो जाती है अपने चाचा के पास, जो कि उसको एक लॉकेट देते हैं और वो कहते हैं कि एक बार मैं यहाँ का राजा ज़रूर बन के दिखाऊँगा। इसके बाद वहाँ से रिन चल जाती है आगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजा अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं और उनकी पीठ में एक घाव होता है। डॉक्टर उनसे कहता है कि आपका घाव बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, और वो घाव काफ़ी सड़ गया होता है, उससे मवाद भी आ रहा होता है। और ये घाव का रीज़न होता है राजा की चिंता, क्योंकि उसे चिंता होती है कि उसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के सारे सभापति डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ये बात राजा को बताई तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। राजा उसके बाद जाते हैं अपनी बीवी के पास, जहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या इस बार हमें लड़का होगा। वो बोलती हैं आप भी जानते हैं मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद वो बोलती हैं कि ये आखिरी बार है, मैं इसके बाद ये सब नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं 5 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ रिन के बाद, जो कि मर चुके हैं, और ये मेरा 6ठा होगा रिन के बाद, और मैं नहीं चाहती कि ये भी मेरे हाथ में मरे, तो ये बस आखिरी बार है। राजा उनकी बात सुन के वहाँ से आगे चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिन और एलिसेंट बात कर रहे होते हैं। एलिसेंट उनसे पूछती हैं कि राज के बारे में मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वहीं दूसरी ओर रिन कहती हैं बस मेरे फादर के एक बस लड़का हो जाए, मुझे और कुछ नहीं देखना है, मुझे बस तुम्हारे साथ ड्रैगन में घूमना है। उसके बाद वो लोग वहाँ से उठ के आगे निकल जाते हैं। उसी दिन रात में डेमन अपनी सेना के साथ नीचे उतरता है और वो कहता है जिन्होंने अपराध किया है उनको ऐसी सजा देंगे कि हमारे राज्य में कोई अपराध ना करे। वो सभी अपराधियों को पकड़ के लाते हैं और उन सबके हाथ पैर और गले काट देते हैं, किसी किसी के तो वो लिंग भी काट देते हैं, और वो गाड़ी में भर के उन सब पार्ट्स को वहाँ से आगे निकल जाते हैं। सारे राज्य में उथल पुथल मच जाती है। अगले दिन सभा में आ जाते हैं डेमन, जहाँ पे उनसे सब लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। वो बोलते हैं अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे राज्य में अपराध बढ़ता ही रहता। इस बात पे उनका समर्थन सिर्फ कॉर्लो करते हैं और बाकी कोई भी वहाँ पे उनका समर्थन नहीं करता है। राजा उनसे कहते हैं कि अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको फिर यहाँ बुलाया जाएगा, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे और हो सकता है कि तुमको वापस भेज दिया जाए तुम्हारी बीवी के पास। फ्रस्ट्रेटेड डेमन वहाँ से उठ के जाता है, क्योंकि उसका वहाँ पे किसी ने साथ नहीं दिया होता है कॉर्लो को छोड़ के, और वो वहाँ पे जाके आगे एक अयाज खाने में जाता है, जहाँ पे वो एक लड़की के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकालता है। इस दौरान वो समय से पहले इजेक्ट हो जाता है, जिस वजह से वो और गुस्से में जाके साइड में बैठ जाता है। वो औरत उसके पास जाती है और कहती है आप ही मेरे राजा हो, और उसको गले लगा लेती है। डेमन काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पे टूर्नामेंट में सभी योद्धाओं ने भाग लिया होता है। वो योद्धा भाग ले रहे होते हैं, इसी दौरान राजा के पास एक खबर आती है कि आपको अंदर चलना है। राजा जाते हैं, जहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है कि उनकी रानी बच्चा देने वाली है, और डॉक्टर उनसे कहते हैं कि बहुत दिक्कत की बात हो गई है, हम कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डेमन लड़ रहा होता है और वो लड़ाई में जीत जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग भी जीत रहे होते हैं। इस दौरान वो सभी योद्धा बड़े वाइल्ड तरीके से आपस में लड़ जाते हैं।
जिसको कि देख के वहाँ की जनता भी डर जाती है। वो किसी का सर काट देते हैं, किसी का मुंह फाड़ देते हैं, किसी के हाथ काट देते हैं, किसी का पेट चीर देते हैं, यहाँ तक कि किसी के मुंह पे कुल्हाड़ी भी मार देते हैं, जिसको कि देख के वहाँ पे बच्चे और जनता घबरा जाते हैं। लास्ट में डेमन और एक आदमी बचता है। उससे पहले डेमन एक फूल ले लेते हैं एलिसेंट से, क्योंकि उन्होंने एक राउंड जीता होता है। डेमन और उस आदमी के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद डेमन हार जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वो आदमी जाता है और वो रिन से एक फूल लेता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि रानी अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि राजा हमारे पास एक ही तरीका है। वो बोलते हैं क्या, या तो हम लड़के को बचा पाएंगे या तो हम माँ को बचा पाएंगे। वो बोलता है हमें हर हाल में बच्चा चाहिए, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि वो रानी का पेट फाड़ के बच्चे को निकाल लेंगे और इसके बाद जब ज़्यादा खून बहेगा तो रानी की डेथ हो जाएगी। राजा रानी के सेक्रीफाइस करके अपने लड़के को पाना चाहता रहता है, जिस वजह से वो इसके लिए हाँ कह देता है। डॉक्टर वही करते हैं, रानी खूब चिल्लाती हैं बट उनके हाथ बांध देते हैं और उनका पेट फाड़ देते हैं, बच्चा निकल जाता है और रानी की मौत हो जाती है। इस दौरान राजा काफ़ी दुखी होता है, वहीं दूसरी ओर बच्चा भी थोड़ा बहुत रोता है और वो भी मर जाता है। पूरे राज्य में बात फैल जाती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि उन लोगों को शमशान में ले जाया गया है, जहाँ पे ड्रैगन के द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाया जाता है। रिन ड्रैगन को ऑर्डर देती है, जिसके बाद वो मुँह से आग निकालता है और वहाँ पर रखी दोनों बॉडियाँ जल जाती हैं। उसके बाद राजा काफ़ी दुखी होता है। वहीं एलिसेंट के फादर कहते हैं एलिसेंट से कि तुम जाओ राजघराने में और राजा से बात करो ताकि उनका मन हल्का हो। वो जाती है राजघराने में और राजा से बात बात करती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेमन बैठा रहता है याज खाने में, जहाँ पे चारों ओर नंगे नंगे लोग पड़े रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं और डेमन ये सब देख रहा होता है। डेमन वहाँ पे जश्न मना रहा होता है क्योंकि उत्तराधिकारी मर गया होता है और वो अब जान जाता है कि वही अगला उत्तराधिकारी है। राज्यसभा में बैठा रहता है, जहाँ पे सारे सभापति कहते हैं कि अब तो डेमन ही है जिनको हम लोग उत्तराधिकारी बनाएंगे। तभी वहाँ पे बाकी लोग कहते हैं कि हम रिन को भी उत्तराधिकारी बना सकते हैं, जिस बात पे वो लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हमने अभी तक किसी औरत को नहीं बनाया है। उस बात पे वहाँ बहस चल रही होती कि राजा गुस्से में उठ के कहते हैं कि अभी अभी मेरी बीवी और बच्चा मरे हैं, हम क्या बात को डिस्कस कर रहे हैं, और वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनको पता चलता है कि डेमन ने ये सब किया है और रात में जश्न मनाया है। वो डेमन को बुलाते हैं, डेमन उनको भाई बुलाता है। वो बोलते हैं मुझे राजा बुलाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करवा दूंगा। डेमन बोलता है राजा जी। वो डेमन से काफ़ी सवाल पूछते हैं, जिसमें डेमन कहता है कि एक ना एक दिन तो मुझे उत्तराधिकारी बनना ही है। राजा जान जाते हैं कि डेमन की नीयत सही नहीं है। वो डेमन से कहते हैं कि तुम वापस जाओगे अपनी बीवी के पास, और वो डेमन को अपनी बीवी के पास भेज देते हैं उसके राज्य में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बुलाते हैं रिन को और उससे कहते हैं कि तुम अब से मेरी उत्तराधिकारी हो। उसके बाद वो एक सभा में सभी देश के राजाओं को बुलाते हैं और उसके बाद सबके सामने रस्म और रीति रिवाज से उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं रिन को। वो एक देश का नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि वही हमारे लिए खतरा है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है रिन के उत्तराधिकारी बनने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।